नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। ब्राजील के रियो में चल रहे पैरालंपिक खेलों में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। पैरालंपिक में भारत के नाम एक और पदक जुड़ गया है। जी हां, भाला फेंक में देवेंद्र झाझड़िया ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो आज हमारी इस खास पेशकश में बात करेंगे राजस्थान के गोल्डन मैन झाझड़िया की इसी उपलब्धि की। ब्राजील के रियो से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। पैरालंपिक में भारत ने एक और पदक हासिल कर लिया है। भाला फेंक में देवेंद्र झाझड़िया ने गोल्ड जीत लिया है। पैरालंपिक में यह उनका दूसरा गोल्ड है। 12 साल पहले 2004 एथेंस पैरालंपिक में भी उन्होंने गोल्ड जीता था। इस पदक के साथ ही रियो पैरालंपिक में भारत के कुल पदकों की संख्या अब 4 हो गई है, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल है। देवेंद्र ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ ये पदक हासिल किया। देवेंद्र ने 63.97 मीटर दूर जेवलिन फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। वहीं पर एथेंस पैरालंपिक में उन्होंने 62.15 मीटर जेवलिन फेंका था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 35 वर्षीय देवेंद्र राजस्थान के चूरू के रहने वाले हैं। झाझड़िया ने 2002 में साउथ कोरिया में हुए पैरालंपिक गेम्स और 2013 में आईपीसी एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा उन्होंने इसी इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं 2014 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया। उन्हें 2012 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। आपको बता दें कि देवेंद्र राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर के रहने वाले हैं। झाझड़िया वहीं के रहने वाले हैं। वहीं मेडल जीतने की खबर मिलने के बाद देवेंद्र के घर में खुशी की लहर छा गई। पैरालंपिक जेवेलिन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले चूरू जिले की तहसील राजगढ़ के रहने वाले देवेंद्र झाझड़िया के प्रदर्शन को लेकर उनके परिजनों में जहां खुशी का माहौल है, वहीं देवेंद्र के इस प्रदर्शन पर राज्य सरकार द्वारा इनामों की बारिश पर उनकी धर्मपत्नी मंजू ने कहा कि सरकार को अन्य राज्यों की खेल नीति से कुछ ग्रहण करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वहां रजत पदक जीतने पर करोड़ों की राशि उपहार के तौर पर मिलती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हुए वहीं आपको बता दे सकारात्मक यहाँ पर कहा गया और वहीं उनके चचेरे भाई ने सकारात्मक प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर दी। कहीं सरकार की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। रियो में आयोजित पैरालंपिक जेवलिन थ्रो में देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के देवेंद्र झाझड़िया ने अपना ही नहीं अपतु देश का नाम रोशन किया है। ऐसे में हमारे साथ हैं उनके परिजन, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उनके भाई से बात करते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देवेंद्र की उपलब्धि को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भी, प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए। इतनी बड़ी अचीवमेंट आज तक किसी भी खिलाड़ी ने नहीं की है, तो हमें बहुत बहुत खुशी है और बहुत गर्व है उन पर कि देश को उन्होंने ये नाम दिया है। तिरंगा अपने वहाँ लहराया है, जो अभी तक इसमें रियो में भी नहीं हुआ था, अब पैरालंपिक में ये कारनामा किया उन्होंने और डबल मेडल, पैरालंपिक में डबल मेडल गोल्ड लिए हैं, तो बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए। अच्छा, अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। इस बार 2004 में भी उन्होंने इस तरह का रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित किया था, इस बार और अधिक मेहनत करके, तो उसको किस तरह से देखते हैं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने? देखिए, रिकॉर्ड का मैं मानता हूँ इनके लिए रिकॉर्ड का कोई तोड़ना बड़ी चीज़ नहीं है। इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकॉर्ड, इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया, पहले चाइना का था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम में, और फिर 2004 में बनाया, अब अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया। तो वैसे बहुत बड़ी उपलब्धि है रिकॉर्ड तोड़ना, लेकिन इनके लिए मैं मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी उपलब्धि होगी। और मेडल ले सकता है कोई 2 गोल्ड, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ अगर लेता है ना, तो उसी बड़े अचीवमेंट कोई नहीं लगती। अच्छा, 2004 के बाद पैरालंपिक खेलों में उनका खेलना नहीं हुआ, अगर खेलना होता तो 4 मेडल शायद देश को और दिलवा पाते, उसको लेके आप श्योर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर 2008 में बीजिंग में और 12 में लंदन में अगर इनका इवेंट होता, तो श्योर है कि आज ये अपन 2 लगा रहे हैं इसकी जगह आप 4th करते, कि ये चौथा स्वर्ण पदक है इस देश के लिए। बाकी वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं था वो इवेंट, तो उसके लिए नहीं हो पाया। राजस्थान सरकार ने इस कामयाबी के लिए उनको 75 लाख रुपए राशि भूमि की देने की घोषणा की है, तो आप सरकार के और किस तरह की उम्मीदें रखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में और किस तरह की सरकार मदद की जाए? सर देखिए, किया है वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अपन थोड़ा कंपेयर करें इस चीज़ को। सर, जैसे हरियाणा है, हरियाणा सिल्वर मेडल पे 4 करोड़ रुपये दे रहा है, और अपन राजस्थान सरकार है
वो गोल्ड पे 75 लाख रुपए दे रही है, तो एक बार इनको थोड़ा इस पे सोचना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि भी ये कम है ये, लेकिन इनको एक बार सोचना चाहिए कि भी अपन देखें इस चीज़ को भी। अपना पड़ोसी राज्य है, वो एक सिल्वर मेडलिस्ट को 4 करोड़ रुपए दे रहा है, वो आप एक गोल्ड मेडलिस्ट को 75 लाख रुपए दे रहे हो, तो थोड़ा सा इसमें लगता है। देवेंद्र के भाई झांझड़िया का कहना है कि सरकार को और भी तरह से इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए, जिस तरह की उपलब्धि है उस तरह से ही सरकार को सोचना चाहिए। हमारे साथ तो उनकी जुड़ी है उनकी वाइफ मंजू झांझड़िया, उनसे बात करते हैं कि इस उपलब्धि के लिए किस तरह से देखती है वो। मंजू जी आपको सबसे पहले बहुत बधाई, आप किस तरह से देखती है इस उपलब्धि को? ये उपलब्धि बहुत बड़ी है और इन्होंने ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, इससे हमें भी गौरव महसूस हो रहा है, उनको खुद को भी गौरव महसूस हो रहा है। और ये देश के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि इन्होंने पैरा ओलंपिक में दोहरे गोल्ड मेडल ले लिया, और ये दोहरा गोल्ड मेडल लेने वाली ये प्रथम भारतीय बन गई। एबल या डिसेबल में कोई भी कैंडिडेट इंडिया में ऐसा नहीं है जो दोहरा गोल्ड मेडल लेके आया, तो ये उपलब्धि बहुत बड़ी है इनकी। बहरहाल अभी राज्य सरकार ने उनके प्रदर्शन को देखते हुए 75 लाख रुपए और 200 बरगज भूमि की जमीन देने की घोषणा की है, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन के बाद ही सरकार चेतती हैं और झांझड़िया जैसे जो नौजवान हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनको इस तरह की राशि उपलब्ध है। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में राज्य सरकार झांझड़िया के प्रदर्शन को लेकर जो घोषणा की है उन पर कितना खरा उतरती है। कैमरा विक्रम भाटी के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। वही देवेंद्र झाझड़िया का गोल्ड जीतने से पूरा देश राजस्थान के लाल पर गर्व महसूस कर रहा है। इस मौके पर खेल मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि सरकार देवेंद्र झाझड़िया को 75 लाख कैश, 220 वर्ग मीटर जयपुर में, वहीं 25 बीघा जमीन आईजीएनपी के पास देगी। और ये लगातार इंटरनेशनल इवेंट्स में लगातार जेवलिन थ्रो में जीत के आ रहे हैं, तो खाली गोल्ड ही नहीं जीतना, उन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड को जो तोड़ा है ना, वो एक मेडल से भी ज़्यादा कीर्तिमान उन्होंने जो कीर्ति प्राप्त करी है वो रिकॉर्ड को तोड़ने से। और हम उनको अभी वापस आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे और सरकार की तरफ से जो हम इनको हमारे ओलंपिक एथलीट्स को जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं हम उनको देंगे। देवेंद्र झाझड़िया की सफलता पर जयपुर में उनके कुछ साथी खिलाड़ियों से बात की हमारे संवाददाता भारत दीक्षित ने। पैरालंपिक जेवलिन थ्रो में देश का नाम रोशन करने वाले और देश को स्वर्ण पदक जिताने वाले चूरू के राजगढ़ के देवेंद्र झाझड़िया जिस स्थान पर अभ्यास करते थे, आज हम उस स्थान पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ जुड़े उनके कोच और उनके कुछ साथी, उनसे ही जानते हैं कि उन्हें कितनी खुशी आज हो रही है। देवेंद्र झाझड़िया ने आज दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है जेवलिन थ्रो में, किस प्रकार से देखते हैं इस चीज़ को? बहुत ही अच्छी बात है, देश का नाम रोशन किया उन्होंने, अपना ही ओलंपिक 2004 का रिकॉर्ड वापस से उन्होंने इम्प्रूव किया 2008 के बाद में। अच्छी बात है, खुशी है, युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, अच्छा करेंगे, आने वाले युवा पीढ़ी हैं उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और जेवलिन थ्रोवर हैं, यंगस्टर हैं, वो उनसे प्रेरणा लेंगे और अच्छा करेंगे, उम्मीद करते हैं उनसे सीखेंगे बच्चे, आने वाली पीढ़ी। अच्छा, देवेंद्र के इस प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार ने उन्हें एक इनाम की भी घोषणा की है, कहीं क्या लगता है आपको किस तरह से मनोबल बढ़ता है खिलाड़ी का इस तरह के जो प्रदर्शन होते हैं? कैसे जब हाई लेवल पर पहुँचता है एथलीट को, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो उनको प्राइज़ मिलता है, तब बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि हम भी वैसा ही करें, वो देखते हैं बच्चों उनके साथ यहाँ प्रैक्टिस करते थे तो उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है और सरकार को भी अच्छे से उनका स्वागत करना चाहिए। अच्छा, आपके साथ देवेंद्र कई घंटों तक अभ्यास करते थे, आप किस तरह से देखते हैं आप उस चीज़ को, सारी चीज़ को? पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र झाझड़िया ने जो गोल्ड मेडल जीता है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हो, उन्होंने अपने देश का नाम किया है। देवेंद्र झाझड़िया ने इतनी अच्छी मेहनत करता था इस ट्रैक पर, उसको कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये कहना चाहता हूँ आने वाले पीढ़ी, हम जैसे नए लड़कों के लिए, कि जो मेहनत करते थे उसी तरह मेहनत करें और इस इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हमेशा लाते रहें। आपसे पूछता है कि यंगस्टर होने के नाते किस तरह से सीखते हैं आप झाझड़िया जैसे लोग इस देश में राजस्थान में लेकर स्वर्ण पदक लेके आते, किस तरह से सीखते हैं? बहुत अच्छी तरह से, एकदम अच्छा होता है, हम भी चाहते हैं कि हम भी आगे जाएं, उनकी तरह नाम रोशन करें देश का। अच्छा, क्या देखने को मिलता है कि झांझड़िया अगर ऐसे स्वर्ण पदक जीतते हैं तो आप में किस तरह से एक मोटिवेशन मिलता है खिलाड़ियों को? सर बहुत अच्छा लगता है, उनको देख के सबको सीखना चाहिए, जो न्यू आ रहे हैं सबको सीखना चाहिए कि उनके तरह वो देश का नाम रोशन करे सब। झांझड़िया के प्रदर्शन को लेकर जहाँ खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं कोचों में भी ये कहा, कोचों का भी ये कहना है कि झांझड़िया का जो प्रदर्शन है वो वाकई में लाजवाब प्रदर्शन है, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। कैमरामैन विक्रम भाटी के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।
देवेंद्र झाझड़िया ने यहाँ रियो पैरालंपिक में गोल्ड पदक जीतकर यहाँ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। आपको बता दें इन्होंने इतना ही नहीं कि गोल्ड मेडल जीता, साथ ही साथ एक विश्व रिकॉर्ड भी बना है। अपने ही रिकॉर्ड को यहाँ देवेंद्र ने तोड़ा है। आपको बता दें 2004 में यानी 12 साल पहले इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जहां पर 62.15 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। वहीं आपको बता दें अब अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार उन्होंने 63.97 मीटर ये भाला फेंका और इसी के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर बनाया गया। अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को यहां देवेंद्र ने तोड़ा है, तो वहीं परिजनों में भी इस कामयाबी को लेकर खुशी की लहर है। ये दूसरा गोल्ड मेडल है, एक गोल्ड मेडल देवेंद्र ने 2004 में भारत के नाम किया था, वहीं दूसरा गोल्ड मेडल इस बार रियो पैरालंपिक में यहां पर जीता। 2004 में हुए एथेंस पैरालंपिक में यहां पहला गोल्ड मेडल देवेंद्र ने अपने नाम किया था। तो देवेंद्र झाझड़िया ने यहाँ पर एक कीर्तिमान हासिल किया, उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर है, साथ ही साथ परिजनों का भी यहाँ पर खुशी से फूले हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत भी उनसे की गई थी, उनका कहना था कि यहाँ एक कीर्तिमान उन्होंने देश के लिए स्थापित किया है, साथ ही साथ विश्व रिकॉर्ड भी उन्होंने एक नया यहाँ पर स्थापित किया। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई इनामों की उनके लिए घोषणा कर दी गई है। 75 लाख रुपए उन्हें कैश इनाम भी यहां पर दिया जाएगा, साथ ही साथ 200 वर्ग गज भूमि की भी इन्हें यहां पर घोषणा कर दी गई है कि पुरस्कार स्वरूप इन्हें प्रदान की जाएगी। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार बात करेंगे राजस्थान में बेखौफ हुई खाकी की। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।